अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। तो मैं आ गई हूँ वापस और मैं करने लगी हूँ सबसे पहले चेंज। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं करके आती हूँ चेंज, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी और जल्दी से चलते हैं किचन में क्योंकि अब मुझे लग रही है भूख और मैंने अपनी ड्रिंक भी अभी तक नहीं लिया, मतलब कुछ भी नहीं लिया। और क्योंकि मैं ये हेयर स्टाइल की वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी फॉर माई इंस्टाग्राम, अगर आपको ये हेयर स्टाइल मज़े का लग रहा है तो आप इसकी वीडियो इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो। बहुत इजी और बहुत मज़े का हेयर स्टाइल है और आई थिंक गर्मियों में तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आपको पता है गर्मियों में अगर आपको कोई हेयर स्टाइल बनाना हो, ऊपर से पसीना, आप बाल नहीं खुले रख सकते तो कितना मुश्किल होता है। तो ट्राई दिस हेयर स्टाइल, आई एम श्योर यू गाइस गोना लव इट। तो चलो जल्दी से चलते हैं किचन में क्योंकि बहुत सारे काम हैं और सफाई भी अभी रह गई है तो मुझे लगता है पता नहीं क्या क्या होगा, मतलब जल्दी जल्दी करना है सब कुछ। तो लेट्स गो। मेरे कुछ कपड़े बहुत शौक कर आए हैं, पहले उन्हें सेट करके जल्दी से रख लेते हैं अपने वार्डरोब में क्योंकि मुझे होता है कि ये जो छोटे छोटे काम है ना ये फ़ौरन से हो जाएं उसके बाद फिर आपके पास बहुत टाइम होता है सब कुछ करने के लिए, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो फैली होती हैं ना ये कामों को बहुत बड़ा कर देती हैं। तो इसलिए हम लोग अगर साथ साथ समेट लें तो फिर काम बढ़ते नहीं हैं और कभी भी वार्डरोब ख़राब नहीं होती अगर आप टाइम से और सेट करके चीज़ें रखो। तो मेरे तो जैसे आते हैं मैं हमेशा वैसे ही सेट करके रख देती हूँ, इसलिए मेरी वार्डरोब कभी होता है साल में एक दफ़ा ख़राब हो, अदरवाइज़ नहीं होती। तो ये आ गए हैं मेरे कपड़े, तो इन्हें मैं जल्दी से करके रखती हूँ सेट और उसके बाद फिर हम मिलते हैं। बस मैं किचन में आ गई हूँ और आज मेरा मूड हो रहा था कि मैं पैनकेक बनाऊँ। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं मीठे की शौकीन बिल्कुल नहीं हूँ और मुझे मीठा कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन हम लोग पैनकेक बनाएंगे, लेकिन हम लोग वो बनाएंगे थोड़े से सॉल्टी। यस, आप लोगों ने मीठे तो खाए होंगे पैन केक, आई एम श्योर कभी भी ये थोड़े से चटपटे वाले नहीं खाए होंगे। तो लेट्स डू सम एक्सपेरिमेंट एंड मे बी अच्छा हो। मतलब लोग इनके ऊपर फ्रूट्स डालते हैं, हम लोग इसके ऊपर अंडा डालेंगे और फिर खाएंगे एंड लेट्स सी क्या होता है। न्यू एक्सपेरिमेंट या तो सो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना अंडा बना रही हूँ। अंडा मैंने एक लिया है और इसके अंदर मैंने ऐड की है दही। दही से आपका अंडा बहुत सॉफ्ट और मज़े का बनता है। और उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया है नमक, ब्लैक पेपर और रेड चिली। रेड मैं चिली थोड़ी ज़्यादा लेती हूँ क्योंकि मुझे अंडे में पसंद है। इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से बीट। मेरे पास आइडिया बहुत आते हैं फालतू वाले। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा चिकन ऐड कर रही हूँ, मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है चिकन थोड़ा सा टिक्के वाला, तो उसको मैं थोड़ा सा फिर इसके अंदर ऐड करते हैं ना। चाहिए ओके, ये देखें ये चिकन मेरे पास है और इसको हम लोग थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं। भाई वाला ने बारबेक्यू किया था तो घर लेकर आया था तो किसी ने खाया नहीं था, तो मैंने उसकी बोटियाँ जो हैं इस तरह से अलग करके पीसेस और फिर बॉक्स में डाल के रख दी। सो ये काम आ जाती हैं, ये चीज़ें कभी वेस्ट नहीं होती हैं। तो इसलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कर रही हूँ। थोड़ा सा ये अच्छा लगेगा आई एम श्योर। ये देखें चिकन मैंने कर लिया है चॉप, अंडा हो गया है रेडी और पैन में मैंने डाल दी हैं जो मेरी सब्जियां कुछ रह गई थी फ्रिज में रखी हुई थी वो डाल दी एंड साथ में मशरूम्स। अब इसे हम करते हैं फ्राई। कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है,
डोंट नो ठीक है कि नहीं, लेकिन चलो एक बना के देखते हैं, अगर तो सही हुआ तो फिर हम और बना लेंगे, अदरवाइज चलो ट्राई करें। अबाउट इफ वी एड अ लिटिल बिट ऑफ चिली फ्लेक्स, चले निकालती हूँ अपना नॉन स्टिक पैन। पहला पैनकेक डाल के देखते हैं, और मेरी फ्लेम ऑफ हो गई है खड़ी, सो लो फ्लेम पे बनाएंगे हम लोग क्योंकि हमें पता नहीं है, तो इसलिए चल। और इसको डालने के लिए मैं ये सूप वाला चम्मच यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही मैं अक्लमंद हूँ। आई डोंट थिंक सो कि ये सही जा रहा है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं। ओके सो हमारा देसी पैनकेक इज रेडी फॉर नाइफ रेडी। चलो अब हम इसको खा के देखेंगे, अगर तो ये अच्छा ना होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हम खा लेंगे फिर भी, पिज्ज़ा डो समझ के खा लेंगे, कोई नहीं खैर है। वैसे भी तो मैदा अंडा आटा वगैरह गूंद के बनाते हैं ना, तो हम समझेंगे हम डो खा रहे हैं, टेंशन नहीं, चलो खाते हैं। सो इट्स एक्चुअली नॉट दैट बैड, मुझे लग रहा था शायद इतना बुरा बनेगा कि मैं खाऊंगी ही नहीं, मगर टू बी ऑनेस्ट नो, इतना बुरा नहीं है, मतलब अच्छा बना है, सो आई एम एक्चुअली सरप्राइज। ओके सो एक मसला हो गया है, मैंने हील्स ली थी ऑल्डो से, मैं आपको दिखाती हूँ। एज यू ऑल नो मैं हील्स लवर हूँ, मेरे पास लिटरली 6 inches तक की हील है, आई थिंक मेरी सबसे 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 लंबी जो हील है ना वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये है, और ये लिटरली पेंसिल हील है, और मैं अपनी फ्रेंड की शादी में इसको, फ्रेंड की बहन की शादी में इसको पहन के गई थी, और इसको पहन के मैंने फुल डांस किया था, और सब लोग मतलब परेशान हो गए थे कि ये इतनी लंबी हील पहन के, मतलब ये बंदी पागल हो गई है, ये इतनी लंबी हील पहन के कैसे डांस कर रही है। सो मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट हील्स, और ये मैंने दी थी ओल्डो से, ओल्डो ओल्डो से। चेक आउट दिस, लेकिन ये बहुत ही कंफर्टेबल हील है क्योंकि इसकी फ्रंट से ये ब्लॉक है, तो इसलिए ये लंबी हील जो है बिल्कुल भी पाँव में दर्द वगैरह नहीं करती है, आराम से मैं फंक्शन में 3-4 घंटे पहन के और डांस करके आराम से बैठ सकती थी, तो ये मैंने बहुत संभाल के रखी हुई है बिकॉज़ ये हील मुझे बहुत पसंद है, तो इस तरह की हील्स बहुत कम कम मिलती हैं। लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे, मैं किसी और की बात कर रही हूँ। ओके सो मैं बात कर रही हूँ इस हील की, येस दिस इज सच अ प्रिटी हील, ये भी ओल्डो से ली गई है, और इसकी हील चेक करो, इट्स एक्चुअली अ पेंसिल हील, मतलब इतनी पतली हील है, और लेकिन इसकी एक बात बता दें, कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन इसका कलर इतना खूबसूरत है, ये पहनने में इतनी खूबसूरत लगती है, मतलब क्लास। तो ये मैंने ओल्डो से ली थी, और ये मैंने आई थिंक हार्डली 2 बार पहनी है, मतलब ये उस टाइप की हील्स हैं जब आप किसी फंक्शन में जा रहे हो या कहीं जाके आपने सिर्फ बैठना है, जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अगर ब्रेकफास्ट के लिए जा रही हूँ, लंच के लिए जा रही हूँ, डिनर के लिए जा रही हूँ, उस तरह का कोई सीन हो ना तो तब मैं ये पहन लेती हूँ, अदरवाइज़ इसको पहन के अगर चलना तो लिटरली मौत है, मौत क्योंकि एक दफ़ा ये गलती मैं कर चुकी हूँ, हम लोग डिनर पे गए थे और मैं इसको पहन के जो है मॉल चली गई, एंड ओ माय गॉड, बस मेरा, मैं कह रही हूँ मेरा दिल कर रहा था मैं अपनी टांगे उतार के अपनी टांगों को उतार के अपने हाथों में लेके चलना शुरू कर दूँ किसी तरह, तो ये सीन था। तो ये एक्चुअली क्या हुआ है, ये मैंने हार्डली 2 बार पहनी है, और मैंने ना क्या किया, मैं हमेशा ना अपने जूतों को साफ़ करके रखती हूँ, तो मैंने इसके ऊपर कपड़ा मार दिया, वो भी क्लोरेक्स वाला, जी हाँ ये मैं कर चुकी हूँ, तो उसकी वजह से अब इसका जो स्टफ़ है ना वो थोड़ा सा हो गया है अजीब सा, मतलब ये वाला जूता तो ठीक है लेकिन जो इसका दूसरा है ना वो मैंने कर लिया है सारा ख़राब। तो ये मैंने हार्डली सिर्फ 2 बार पहना है, और मैंने ये लिया था 350 या 400 रियाल्स का, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि इतना महंगा लेके मैंने सिर्फ 2 बार पहना है, तो मैं इसको थोड़ा सा रीडिज़ाइन करना चाह रही हूँ, और कुछ करना चाह रही हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं सोच रही हूँ मैं जरीर से जाके पेंट ले आऊँ और इसके ऊपर पेंट कर दूँ, या मैं सोच रही हूँ
के ऊपर ये लगे हुए हैं और मैं सोच रही हूँ ये उतार कर इसके ऊपर लगाऊं, क्योंकि आजकल एज यू ऑल नो ये बहुत इन है शूज़ पर, हील्स वगैरह पे। तो मैं सोच रही हूँ मैं ये इसके ऊपर लगा लूँ तो आई एम श्योर ये अच्छे लगेंगे और ये कवर भी हो जाएगा। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे लग रहा है हमें ये करना चाहिए, वरना फिर सेकंड ऑप्शन मेरे पास है कि मैं इसको पेंट करूँ, फैब्रिक पेंट इसके ऊपर कर सकती हूँ तो वो भी चल जाएगा, लेकिन वो भी मेरे पास है नहीं, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा जरीर और वहाँ से जाके लेना पड़ेगा। लेकिन हम वैसे ये ट्राई कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। अगर ये आइडिया काम नहीं किया उसके बाद हम लोग जो है जरीर से पेंट ला सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। लेकिन चलो हम लोग पहले ये करते हैं, ये सारे मैं कट करती हूँ और इसके ऊपर लगाना शुरू करती हूँ। सो ये लग गया है मेरा सेटअप और यहाँ पे हम लोग करते हैं। ओके, मेरे पास दो ग्लू हैं, एक ये UHU है और एक ये नॉन स्टिच फैब्रिक ग्लू है, ये दोनों हैं। सो लेट्स ट्राई कि किससे हम लोग ज़्यादा अच्छा ग्लू जो है स्टिक करेगा और इसके ऊपर लग जाएगा। सो ये है हमारी खूबसूरत सी हील, इसको भी साइड पर रखते हैं और सबसे पहले हम लोग जल्दी से ये कट करते हैं। ओके, छरा ये सारे मैंने उतार लिए हैं, नॉट श्योर यू कैन सी और नो, लेकिन ये देखें ये सारे हो गए हैं। तो अब आप आ जाएं थोड़ा सा क्लोज और फिर मैं आपके मुंह को दिखाती हूँ। तो ये देख ले, ये मैंने कट कर लिए हैं, ये इस तरह से एक एक लगेगा और लेट्स सी कि अब ये कहाँ कहाँ लगता है, मतलब ये देखो ये मैंने क्या किया है। सो ये एक काम ठीक करना है, उसके अलावा यहाँ से ठीक है, यहाँ से इशू नहीं है, मेन इशू जो है वो ये फ्रंट का है। क्योंकि ये पहने हुए अच्छे लग रहे हैं और इनका लुक भी थोड़ा सा डिफरेंट और यू नो, लेकिन इस बात का दुख है कि मेरे ये स्पाइक्स ख़त्म हो गए। अगर ये थोड़े से मुझे और अगर कहीं से मिल गए ना तो डेफिनेटली मैं यहाँ थोड़े से और ज़रूर लगाऊंगी। सो मैं मार्केट में चेक करूंगी, अगर मुझे मिल गए तो डेफिनेटली फिर मैं ये और ले आऊँगी। बट इट्स लुकिंग गुड, मतलब एकदम रीडिज़ाइन हो गया है और पता नहीं चल रहा, और जो वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था वो सारा छुप गया है और अब मैं ये कुछ टाइम और पहन लूँगी। मेरे 350 वेस्ट नहीं हुए। सो जो लोग मुझे कह रहे थे अपनी हील्स दिखाए, मैं हील्स दिखा दूँ, लेकिन मेरे पास अभी इतनी हील्स है नहीं, मतलब हार्डली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 हील्स हैं सिर्फ मेरे पास अभी। तो मेरी जो बाकी जितनी भी हील्स थी वो सारी मैं पाकिस्तान पैक करके छोड़ के आ गई, क्योंकि अभी मैं इतना लगेज नहीं लेकर आ सकती थी। तो वहाँ पे मैं सारी अपनी हील्स, लिटरली मेरी कोई 15-20 हील्स पाकिस्तान में है, तो वो होती तो फिर मुझे दिखाने में डेफिनेटली मज़ा आता, लेकिन इतनी थोड़ी सी हील्स दिखा के क्या करना है, तो इसलिए रहने दो। सो लेट्स गो। अगर आप लोगों को एक अच्छा बॉडी मॉइस्चराइज़र चाहिए, मतलब थोड़ा बेसिक, तो दिस वन इज़ रियली गुड, निविया का नेचुरल फेयरनेस। इसका फेयरनेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये वैसे स्किन को अच्छा थोड़ा मॉइस्चराइज कर देता है और स्किन जो है वो थोड़ी अच्छी लगती है इससे। तो आप चाहो तो ये यूज़ कर सकते हो। निविया की मोस्टली चीज़ें अच्छी हैं, उनके मॉइस्चराइजर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। सो अगर आपने बाई करने हैं तो डेफिनेटली आपको कहीं से भी मिल जाएंगे और अफोर्डेबल भी हैं और बहुत अच्छे। पानी नहीं पिया हुआ, मैंने कहा मैं पानी पी लूँ, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि कोशिश क्या करें पानी ज़्यादा पी लिया करें। ज़्यादा से मतलब ये होता है कि एटलीस्ट आप कम से कम डेढ़ से दो लीटर तो पी लिया करें, ताकि आपकी स्किन अच्छी हेल्दी मॉइस्चराइज लगे, मतलब स्किन डिहाइड्रेटेड ना हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग पानी थोड़ा पी लिया करो। मैं ख़ुद भी इतना नहीं पीती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। ओके गर्ल्स, सो मेरे मोबाइल की जो मेमोरी है वो जा रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस मेरी ऑलरेडी सेव हैं, तो उन्हें मैं ट्रांसफ़र करने लगी हूँ अपने लैपटॉप पे, ताकि वो यहाँ पे रहें और फिर मैं मोबाइल से उन्हें डिलीट कर दूँगी। सो ताकि मेरे पास मेमोरी मेरी जो है, जबकि मैंने इसके अंदर सिम मेमोरी कार्ड भी ऐड किया था, आई डोंट नो क्या मसला है, लेकिन चलो कोई नहीं, हम लोग करते हैं जल्दी से ताकि हमारे पास स्पेस बने।